नमस्कार, मैं लखनवी रसोई से। देखिए, आज मैं चावल की कचरी बनाने जा रही हूँ। ये एक कटोरी मेरा चावल है, ये देखिए, ये छोटा वाला चावल है, ये बहुत छोटा छोटा सा, ये देखिए। जबकि और मोटा वाला अगर आपको मिलता है टूटा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो घर का चावल है, तो ऐसा ही है ये। मैं और ये मेरा इधर पानी चढ़ा हुआ, इसको मुझे एक कटोरी चावल है तो चार पांच कटोरी पानी या कुछ ऐसा नहीं बनाना। जैसा आप खाने वाला चावल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही मुझे बनाना है। मैं आपको बिल्कुल नया स्टाइल से बताऊंगी। ये बिल्कुल जैसे आप चावल खाने के लिए बनाते हैं सूखा सूखा, वैसा ही बनेगा। मैं इसको धो के लाती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरा पानी खोल गया है, इसमें मैं थोड़ा देखिए तेल डाल देती हूँ। तेल डालिए या घी डालिए, जो भी डालिए, मैं तेल डाल रही हूँ इसलिए कि ये चिपके ना। और इसको चला देते हैं। चला देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक कम डालें, पापड़ में नमक ज्यादा हो जाता तो फिर अच्छे नहीं लगते। पापड़ क्या मतलब, मैं कचरी बनाऊंगी, ये देखिए थोड़ा कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा से थोड़ा सा रेड कलर जो है वो थोड़ा चावल से का ब्राउन हो जाता है, लेकिन जीरा अच्छा लगता है। कचरी उचरी में जीरा बहुत अच्छा लगता है। मिर्च में डालूंगी नहीं, बच्चे खाते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून, देखिए छोटा चम्मच है इतना, ये देखिए ये सोडा मैंने डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे चावल, ये देखिए चावल ठीक से धुल लीजिए। कंकड़ उंकड़ नहीं होना चाहिए, गिन लीजिए, नहीं तो दांत के नीचे जब खाने में कंकड़ पड़ता है तो फिर बेमजा हो जाता है। तो पहले चावल बीन लीजिए, इसके बाद 3-4 पानी से धुलिए। ये मैंने 5 पानी से धुला है, सारा कालापन इसका हटा दीजिए। और अगर आपको सफ़ेद ही रखना है, कलर नहीं डालना है, तो आप जीरा अवॉइड कर दें। लेकिन जीरा अगर अवॉइड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, जीरा से स्वाद बढ़ जाता है थोड़ा। अब हम इसको देखिए, इसको चला देंगे बिल्कुल जैसे आप चावल बनाते हो वैसा ही ये बनेगा। बल्कि मैं इसमें देखिए थोड़ा धनिया का पेस्ट भी डाल दूंगी। ये देखिए ये धनिया मैंने पीस के रखी है, आजकल धनिया बहुत आती है तो मैं सवेरे थोड़ा पीस लेती हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें डाल दूंगी, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा। ये सिर्फ धनिया है, इसमें नमक नहीं है। और कल बनाएंगे, मैं कई तरह बनाऊंगी। कल मैं बनाऊंगी तो व्हाइट बनाऊंगी, आज ज्यादा नहीं बनाएंगे, इतना ही काफी है। अब हम इसे लगा देते हैं प्रेशर, और जैसे चावल बनता है उसी तरह से, जैसे आप खाने वाला चावल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें सीटी लगाना है। ये अब उसके पहले मैं अपनी आपको तैयारी दिखा देती हूँ। देखिए पहले हम लोग कैसे बनाते थे, ये देखिए ये झारा बोलते हैं इसको, देखें ये झारा होता था, ये ऐसे टिका दिया जाता था ऐसे। पहले हम लोग ऐसे ही बनाते थे, ऐसे टिका के इसको ऐसे ऐसे नमकीन बनाते थे। ये देखिए कहीं भी टिका दे इसको, चारपाई पे बनाए हम लोग, धूप में बनाते थे तो गाँव गाँव में, तो इसको ऐसे रख दिया या कोई पकड़ लेता था और बस ऐसे 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 इसमें घिसते थे। तो ये देखिए थोड़ा बड़े छेद का है। फिर मैंने दूसरा भी लिया, ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छेद का है। ये किस चीज के लिए था, बेसन वाला सब्जी बनता है, जो ये हल्दीराम की भुजिया उजी आती है वैसा जो बनता है ये वो है। लेकिन देखिए इनका जमाना चला गया, अब कोई इसको इस्तेमाल ही नहीं करता। मेरे पास तो पड़े हैं तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और ये झारा जो है इनके अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अभी भी हलवाई वलवाई के, हाँ आपने देखा होगा बड़े बड़े रखे होते हैं थाली में, ऐसे ऐसे घिस के धाप बना लेते हैं वो लोग, हलवाइयों के यहाँ है लेकिन हमारे आपके पास नहीं। तो देखिए मैंने एक ये भी मंगा रखा, ये अगर आपके पास हो तो आप इसी में बनाए। ये देखिए ये, और इसके हैं ये देखिए तवे, आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहे, मैंने इस पे भर के रखे, नहीं बच्चे खेल डालते हैं। देखिए सब ये गजनी तवे हैं, आप जो डिजाइन चाहे वो डिजाइन बनाए। ये देखिए लंबा बनाए तो इस तरह का बना ले, इसके 10-20 होते हैं, इसको क्या दिखाना, आप सभी लोग जानते होंगे। ये देखिए ये देखिए ये बिल्कुल बेसन वाला सेब, ये सेवई बना और इससे, अब देखिए चावल करीब करीब मेरा पक गया। ये देखिए जैसे सेवई बनती है गेहूं के आटे वाली, वो इससे आप बना ले। ये डिजाइन है, ये डिजाइन, इससे बहुत सारी डिजाइने हैं,
अब आप जो हम जो डिजाइन चूज करें उस डिजाइन का बनवा लेंगे। तो ये देखिए कहीं इसमें से गायब भी हो गए बच्चे हैं ना, इसको खेल डालते हैं, निकाल दो तो छोटे बच्चे कहेंगे नहीं ये तो हम तो ले ही लेंगे, सब ऐसे ऐसे करके बजाएंगे। और देखिए इसमें एक था गोल छेद का, वो गायब हो गया, ये देखिए नहीं है, देख रहे हैं ये देखिए नहीं है, ये देखिए गोल छेद का था वो नहीं थे, इन लोगों ने गायब कर दिया बच्चों ने, नहीं नहीं है इसमें लगा हुआ है। चलिए देखते हैं मेरा चावल पक, देखिए दोस्तों तीन सीटी आ गई है, ये देखिए मैं इसको उतार के इधर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, अब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद मैं इसको खोलूंगी, तब तक मैं अपने लिए आज मेरा सोमवार का फास्ट है तो मैं कुछ बनाऊंगी। देखिए हमने बच्चों को फालतू बोल दिया, सारे इसी में भर के रख दिए थे, ये देखिए सब उठा उठा के इसी में एक में डाल लिया, दो तीन चार थे सब एक में डाल के लपेट दिया, बच्चे है ना मन जो मन है वो करते, तो आप मतलब इस डिजाइन को मैं बनाऊंगी ये इस डिजाइन, और थोड़ा सा इसमें से भी आपको मैं दिखाऊंगी, ये देखिए इसके इसमें भी आ रहा है ऐसे ऐसे, इसको भी आज करके दिखाती हूँ, बहुत जल्दी बनता है इसमें, इतने में से गिरता है, पहले घर गांव में बहुत ज्यादा ज्यादा बनते थे, अब तो बहुत थोड़ा सा बनता है। तो देखिए इधर मेरी फास्ट वाली आलू बन रही है, ये मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और मैं जीरा डाल के इसको चलाऊंगी, ये फास्ट है। मैंने आपको बताया था मेरे यहाँ सोमवार मंगल दो दिन का फास्ट होता है, अब इसमें मैं ऐसे मिर्ची डालूंगी, ये देखिए इस समूचा डालती हूँ बस, अगर कम ज्यादा हुआ तो मिर्ची निकाल के फेंक दिए, ये समूचा डालने से ये फास्ट होता है। अब ये मिर्चा पकड़ा, देखिए मिर्चा पक गया, ये देखिए ब्राउन ब्राउन सा सफेद हो गया मिर्चा, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फ्राई करके रख लें मिर्चे, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, हम चूरन चूरन मिक्स करके, मैं किसी दिन इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। ये देखिए अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, देखिए थोड़ी आलू, मैं ये जीरा फ्राई वाली निकाल लेती हूँ, ये देखिए ये जीरा फ्राई के आलू है, ये देखिए मैंने निकाल लिया ये, बाकी ये मेरी घर के आलू पर, बाकी देखिए मैंने ये एक कप धनिया ली है, ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी, ये देखिए ये बिल्कुल मिक्स किया मैंने, हरी धनिया का पेस्ट है ये, इसको मैंने मिक्स किया और इसमें डाल दिया, आज मुझे खांसी फिर से आने लग गई है, चटपटी आलू तैयार, ये देखिए ये देखिए ये बन गए, और गैस को हम कर देते हैं बंद। अब इसमें आप अगर चाहें तो कच्चे टमाटर की चटनी मिक्स कर दें, लेकिन मेरा फास्ट है और कच्चे टमाटर की चटनी मैं नहीं मिक्स करूंगी, लेकिन कच्चे टमाटर की चटनी इसमें बहुत अच्छी लगती है, और तो नींबू डाल के हम खाएंगे, पहले से नहीं डालेंगे ना ये काला हो जाता है, तो ये रेसिपी मेरी तैयार हो गई, ये मेरे फास्ट के आलू है ये, और ये दो तरह के, इसके बाद मैं अभी चावल का कुछ बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों चावल मेरा पक चुका है, देखिए अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, बिल्कुल चावल जैसे खाने वाला होता है बिल्कुल वैसा ही चावल बनाना होता है, देखिए जैसा आप खाते हो, ये देखिए अभी ठंडा हो जाए, इसी कुकर में रखे रहेंगे, अभी ठंडा हो जाता तब तक उधर व्यवस्था कर देते हैं, चल के थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होता रहता है, थोड़ा इसमें रख लेते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से चावल आपको बनाना है, ये देखिए धनिया डालने की वजह से ये थोड़ा जैसे गन्ने के रस में चावल बनता है उस स्टाइल को हो गया है, ये देखिए इसको हम ठंडा करते हैं और इसको हम बनाते हैं। देखिए धूप तो बहुत तेज हो गई है, धूप मैंने चारपाई बिछा दी है, उससे पॉलीथीन डाल दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहीं किचन में बना के दिखाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत तेज है, मैं यहाँ बना दूंगी इसके बाद वहां पर धूप में डाल दूंगी। ये देखिए चावल मेरे ठंडे हो गए, अब मैं इसको इस वाले तवे से बनाऊंगी, ये देखिए ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ ये, और ये मशीन है इसको भी अंदर से, जिससे ये राइस जो है ये इसके अंदर
चिपके ना इधर उधर, सफाई में आराम रहता है। अब इसको हमने ऐसे रख दिया, ये देखिए ये। अब इसको हम ऐसे फिट कर देंगे, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे। चलिए फिर भी मैं दिखाई रही हूँ तो दिखाई देती हूँ। हाथ में थोड़ा तेल लगा है, देखिए ये फंस गया। हाथ में तेल लगा था, साबुन लगा के हाथ धुल के तब मैंने इसको फिट कर दिया। ये देखिए अब ये फिट हो गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे राइस। देखिए ये मेरा जो चावल है जो मैंने बना के रखा था, ये देखिए ये, इसको थोड़ा सा कुछ पीसना कूटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे रोल जैसा बनाएंगे। थोड़ा गरम है, थोड़ा हाथ धो ले नहीं तो फिर टक 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 करेगा। बस पोंछ लेते हैं। मिर्ची जो है ये हम इसमें डालेंगे, इसको ऐसे देखिए ऐसे कसते जाएंगे इसको। देखिए ये बटन दबा दो नीचे चला जाएगा। अब इसको हाथ में तेल लगा है इसलिए इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कस गया है, कपड़े से पकड़ लेते हैं। गरम भी है थोड़ा, आप भी पकड़ लें कपड़े से, थोड़ा चावल गरम है। बस इसको ऐसे ही, अब आप जिस, मेरे पास बहुत सारे तवे थे मैंने आपको सब दिखाया है, ये देखिए बस ये देखिए जिस तरह से आप चाहें इसको बनाते जाएं, जो डिजाइन आप चाहें। देखिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे लंबा लंबा जैसा आप चाहें। देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक है, चावल बनाइए जैसे आप परमानेंट खाते हैं और उसी चावल से ये देखिए ये बहुत बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसी कचरी बनेगी, क्योंकि इसमें डिजाइनें बन रही। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें डिजाइन बन जाएगी जैसे बाजार वाली मिलती है, इसीलिए मैंने इस वाले तवे को रखा है। और ये देखिए ये चाहे लंबी बना ले ये। अब इसको हम उठा के धूप में रख देंगे, थोड़ा बाहर धूप तेज थी, मेरा फास्ट भी है तो मैंने सोचा मैं अंदर ही बना के आपको दिखा दूं। ये देखिए अब इसको आप जलेबी भी बना सकते हो, ये देखिए जैसे बाजार में मिलती है, ये देखिए ये, और ये बहुत आसानी से एक तरफ आप खाना बनाइए और दूसरी तरफ चावल चढ़ा लीजिए और बच जाए तो खाने के भी काम आ जाता है, और बचेगा ही नहीं नमकीन, बहुत बढ़िया लगता है इसका। आप बनाइए मेरे तरीके से और बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये मेरा तरीका कैसा लगा। देखिए ये थोड़ा मोटे मोटे से हैं कचरी और बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। और इसमें बहुत सारे तवे हैं, आप जिस तवे से चाहें वो डिजाइन आप बना लें। मैंने ये सादा सादा बनाया, देखिए अब फिनिश हो गया है, ठीक है अब इसका फिनिश हो गया है। फिर दूसरा चावल भरते तो आपको दिखाते। देखिए दूसरा मैंने फिर भर लिया है, ये देखिए वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बार बार बंद करना पड़ रहा है। ये देखिए ये एक कटोरी चावल था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली बना लूंगी, ये हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। कल मैं दूसरा कलर डाल के बनाऊंगी, देखिए मेरा ये खत्म हुआ, लेकिन अभी नहीं, अभी ये भी रखा हुआ है। और ये चावल आप खा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए पुलाव जैसा तैयार हुआ, ये ठंडा भी हो गया है। जीरा है इसमें, हरी धनिया है, आप कुछ और डालना चाहें तो वो डाल दें, कोई दूसरा फ्लेवर। चलिए अब इसको लगा के बनाते हैं। आप देखिए भर दिया मैंने फिर से। आज हमारे घर में जो काम करने आती है वो मुझसे बोल रही थी
कि आपका व्रत है आप क्यों परेशान होते हो, मार्केट में बहुत बढ़िया सा मिलता है। हमने कहा मार्केट में शुद्धता की गारंटी नहीं है, ये मेरी शुद्धता की गारंटी है। और फिर जब हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो हम घर में बना लेते हैं, कोई वर्किंग तो हम है नहीं तो घर में बनाने में क्या बुराई है। मुझे शौक भी है आपको मैं बताऊं, ये देखिए इसमें कुछ भी डिजाइन आप बना भी सकते हैं जो आपका, ये देखिए ये जलेबी बना लीजिए ऐसे ऐसे, ये जैसे आप चाहें, जो आपकी बच्चों की डिमांड हो, ये सब कुछ तो बच्चों की डिमांड पे बनता है। ये देखिए अभी मैं इसको उठा के धूप में डालूंगी और थोड़ा सा चावल और उबाला है तो उसका पापड़ बनाना है, तो मेरी पॉलीथीन बाहर बिछी हुई है, ये देखिए थोड़ा एक जगह हो जाए तो इसको आप अलग कर दें। अब देखिए इसको मैं रख देती हूँ, इसको मैं बाहर बना लूंगी। मैं थोड़ा सा आपको अपना पुराना तरीका भी दिखा दूँ, ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, आप लोग कहोगे बहुत लंबा वीडियो आरती बनाती हो। ये देखिए फिलहाल आप लोग कमेंट तो नहीं करते हो मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप देखते हो ये बहुत है। चलिए आप रखिए, अब देखिए ये मेरा सिस्टम, पुराना सिस्टम, मैं पुराने में इसी से बनाती थी। अब ये सारी मशीनें आ गई तो ये मैंने चावल ठंडा हो जाता था, ये चावल रखा यहाँ पे, और जैसे हलवाई लोग करते हैं बस ये भी आसान। ये देखिए ऐसे 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 करते जाइए, ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि चावल है ना। ये देखिए ये सब कचरी ये भी तैयार हुई, ये छोटी छोटी पतली पतली तैयार हुई है। ये देखिए अब जो आपको आसान तरीका लगे, जो आपके पास सामान हो वो वाला होगा, आजकल तो सबके पास वही होता है। ये सब तो पहले गाँव गाँव में होता था, ये मेरी माँ ने भेजा था मेरे लिए। देखिए तब पहले माँ देती थी ये सब घर गृहस्थी, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब हर चीज बाजार में मिल जाती है। देखिए ये बहुत पतली कचरी बन के तैयार हुई है, और ये वाली में चाहे दूसरी डिजाइन आप बना लो। तो ये देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इसको देखिए फिर से मैं बना लेती हूँ, लेकिन अब आजकल ये मोटी मोटी बन जाती है और थोड़ा अच्छी भी लगती है, जल्दी भी बनती है। ये देखिए जल्दी तो खैर वो वाला बनता था, हम लोगों से बहुत जल्दी बनता था। हम क्या करते थे, खाना बनाते थे बच्चों का, बगल में कुकर में चावल उबलता रहता था, बस बच्चों के जाने के बाद फटाफट धूप में बैठ के बहुत लोग मिल के बनाते थे छतों पे, तो बड़ा मजा आता था, हंसी मजाक, चाय नाश्ता, डालमोट बिस्किट, जिसके घर में जो बना है, ज्यादातर चाय वाय हम लोग बैठ के साथ में पीते थे। और इसको दो दो मिनट में एक दूसरे का बनवा भी लेते थे, जैसे मेरा बन गया तो हम किसी दूसरे का बनवा लिए, ऐसे होता था। ये देखिए ये मेरा बन गया। आपको ये चावल की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये चावल सिर्फ आप चावल बनाइए, देखिए खत्म हो गया, अब इसका भी हम बना देंगे। तो ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, प्लीज लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब। देखिए ये मेरे, अब कल मैं आपको इसका पापड़ बना के दिखाऊंगी, वो पिसे हुए चावल का बनाएंगे, मैंने चावल का आटा पिसवाया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। लखनवी रसोई, आपके प्यार की जरूरत है, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे ना। थैंक यू।